हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए हमारी क्लास नहीं हो पाई थी दोस्तों, किसी कारणवश नहीं हो पाई क्लास। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद। तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लिंक को कॉपी करें और शेयर करना स्टार्ट करें। जो स्टूडेंट हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं काफ़ी दिनों से, वो जुड़ जाएँ प्लीज़। तो ठीक है, आज जो हम टॉपिक करेंगे इस वीडियो के थ्रू, उसका नाम है सिलोगिज्म। क्या है सिलोगिज्म? आपने ये टॉपिक पहले भी शायद सीखा होगा। और इसको जब हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? न्याय वाक्य, है ना, न्याय वाक्य। अब ये जो टॉपिक है ना, ये कम से कम 2 नंबर का आएगा, है ना, 2 नंबर का तो आना चाहिए। ठीक है, अब इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं, उसको सोल्व करने के लिए हम जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, क्या जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, वो प्रोसेस का नाम क्या है? वेन डायग्राम। अब यार मेरी बात को सुनते जाना, फिर आप सीखते चलना साथ साथ में, ठीक है। और सबसे पहले शेयर कर दो दोस्तों जो साथ जुड़े हुए हैं। मैंने क्या बोला कि ये जो टॉपिक है इसको हिंदी में बोला जाता है, और ये मेरे ख्याल से पटवार के एग्ज़ाम के अंदर मिनिमम 2 नंबर का तो आना चाहिए, ठीक है। ये तो ही हमारी एग्ज़ाम से ओरिएंटेड। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसको सोल्व करने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, वो प्रोसेस है वेन डायग्राम, ठीक है। क्या है? वेन डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो केस होंगे वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। हर केस को हम लेके चलेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे, ठीक है। और आपको बस साथ बनाए रखना, समझ जब आता चले तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। थम्स अप कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए जैसे आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और आप अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। यदि आपने पहले सीख रखा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं सीख रखा तो प्लीज़ सीखने की कोशिश करना, ठीक है। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि कॉपी वीडियो को एक बार शेयर कर दो, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है, तो कई बच्चों को पता नहीं होगा कि क्लास हो रही है ना। तो जल्दी से शेयर कर दो, फिर अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और जो क्लास में जुड़ गए हैं तो ध्यान रखना, ठीक है। पहले आप हेडिंग डालो केस 1, ठीक है, कि केस 1 में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। केस वाइज अपने पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर देख लो क्या होता है। केस 1 के अंदर हम कुछ जो चीज़ होती है ना, कुछ, ठीक है, या हो गया ज़्यादातर, ठीक है, ठीक है, ज़्यादातर हो गया, बहुत सारे, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, इनसे रिलेटेड जो वर्ड होते हैं ना, मतलब जैसे इंग्लिश में बात करें तो सम, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, ठीक है, सम मोस्टली, मैनी आ गया, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब केस 1 के अंदर अनडेफिनेट, ठीक है, इनडेफिनेट का मतलब समझते हो? इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, अनिश्चित। अपनों को ये नहीं पता कितनी मात्रा है, बस ये पता है कि सम है, कुछ है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला एग्जांपल तौर पे, मैंने बोला कि कुछ x y है, ये आपको क्या दे रखा है? स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, पहले ये समझो कि कुछ x y हैं, इस लाइन का मतलब क्या है, ये समझना, ठीक है। जिन्होंने समझ रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं समझ रखा, जो पहली बार देख रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। पहला केस क्या है कि कुछ, ज़्यादातर, बहुत सारे, जिसके अंदर इनडेफिनेट, ये सब इनडेफिनेट होते हैं, ये निश्चित नहीं है। अपनों को ये नहीं पता ना कितनी मात्रा, ये पता है अभी मात्रा है कुछ, ठीक है। अब कुछ x y हैं, तो कुछ x y का मतलब क्या है? मैंने बना लिया ये x का पार्ट है, ठीक है जी, ये क्या है? x है पूरा। अब कुछ x क्या है? y है, तो मतलब x का ऐसा पार्ट एक ऐसा होगा जो क्या होगा? y के अंदर होगा। मतलब देखो, ये x है और ये y है ना, ये x है, ये y है, लेकिन ये जो कॉमन वर्ड है ना, ये बता रहा है कि कुछ x y है, ठीक है, ये स्टेटमेंट के थ्रू है, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट है। अब क्या है कंक्लूजन, क्या क्या हो सकता है? मतलब कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, मतलब निष्कर्ष क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखना, कभी भी, ध्यान से सुन लो, कभी भी स्टेटमेंट जो दिया होगा वो निष्कर्ष में यदि दिया हो ना, जैसे सेम का सेम स्टेटमेंट यदि आ जाए, सेम का सेम स्टेटमेंट यदि निष्कर्ष में आ जाए, तो वो नहीं होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। तो पहला मैं स्टेट कंक्लूजन लिखता हूँ तो आप बताना, ठीक है। पहला निष्कर्ष है कि कुछ y x हैं, ठीक है, b कुछ x y है, ठीक है। समझ लो, ये आपको 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, ठीक है। और आपसे पूछता है कि इन दोनों निष्कर्षों में क्या ऑप्शन आएगा, मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है, या कंडीशन है ए आएगा या बी आएगा, ठीक है। ऐसे वो या वाला भी अपने केस करेंगे, ठीक है। पहले ये नॉर्मल समझो
आपको दिया हुआ है कुछ ए बी हैं, अब आपको इन दोनों में बताना है क्या हो सकता है, ठीक है? तो आप बता अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या बोला था कि स्टेटमेंट में जो बात दी होगी ना, वो निष्कर्ष में दी हो तो वो क्या होगी, गलत होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सेम चीज़ अपनों को निष्कर्ष निकालना, मतलब ऐसी चीज़ जो निष्कर्ष निकले, उससे कुछ जो बात दी हुई है उसका कुछ निष्कर्ष निकले, ठीक है? तो देखो कुछ वाई एक्स हैं, तो देखो इसके अंदर क्या कुछ एक्स वाई हैं, जब कुछ एक्स वाई होंगे तो वाई के अंदर वो पार्ट आ गया, वाई के अंदर वो पार्ट आ गया, तो कुछ वाई एक्स होंगे कि नहीं होंगे? कुछ वाई एक्स होंगे ना, क्योंकि एक्स का वाई क्या है, तो वाई का भी तो एक्स में गया ही है कुछ पार्ट, समझ रहे हो? जब एक्स का कुछ पार्ट वाई में आया है तो वाई का पार्ट भी कुछ एक्स में गया है ना, तो हाँ गया है, आपको क्या आंसर गया है, तो कुछ वाई एक्स है, तो ये तो अपना क्या हो गया, स्टेटमेंट निष्कर्ष सही हो गया, क्लियर है? ठीक है, कुछ एक्स वाई है दिया हुआ, कुछ वाई एक्स है, हाँ निष्कर्ष हाँ जी है, लेकिन जब दिया हुआ कुछ एक्स वाई हैं, कुछ एक्स वाई हैं और स्टेटमेंट में दे रखा है, ये बात तो सही है लेकिन निष्कर्ष के लिए बात गलत है, ठीक है? निष्कर्ष के लिए बात गलत है। यदि बात समझ में आ गई तो प्लीज़ थम्स अप कर दो कि हाँ बात, ये बात हमारी क्लियर है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि सिमिलर स्टेटमेंट और कंक्लूजन जब इक्वल आ जाए तो वो उसका गलत होगा, ठीक है? इस प्रकार आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है? समझ में आ गई? ये पहला केस समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अभी आप समझते चलना, एग्जाम्पल अपने करेंगे बहुत सारे, उससे भी आपकी और बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? ये हमारा क्या था, पहला केस था, ये हमारा पहला केस था, किसका, कुछ का केस था, ठीक है, जिसके अंदर इंडेफिनेट बात होती है, ठीक है? अब अपने आगे की ओर चलते हैं, ठीक है? देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, ठीक है? मान लो कुछ पी क्यू है, ठीक है, ये पहला है। दूसरा स्टेटमेंट कुछ क्यू आर है, ठीक है, तो अपनों को क्या दे रखा है, निष्कर्ष समझ लो दे रखा है। पहला निष्कर्ष कुछ पी आर है, ठीक है, कुछ क्यू आर है, ध्यान से हम ना निष्कर्ष बता लिख रहा हूँ, कुछ आर क्यू है, कुछ क्यू पी, ये आपको मैंने चार निष्कर्ष दिए, आप बताओ इसमें से कौन कौन सा फॉलो करेगा, ठीक है? आपको ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ बनाने हैं, उसके बाद ये निष्कर्ष देखना है इसमें से कौन कौन सा फॉलो कर रहा है, ठीक है? ध्यान से देखना, फिर अपने आराम से समझेंगे, फिर आपको मैं कुछ बातें और बताऊंगा, ठीक है? बताओ बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या आएगा आपके दिमाग में, जो भी बात चल रही है जल्दी से बताओ। तो देखो कुछ पी क्यू है, ये लिखा कुछ पी क्यू है, लिख दिया पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। अब कुछ क्यू आर है, तो क्यू बना हुआ है, आर बनाना है, तो ये लो सर आर बना दिया, ठीक है? स्टेटमेंट के अंदर जो बोला जाएगा ना, बस वही चीज़ ध्यान में रखनी है, स्टेटमेंट के अंदर जो बात बोली जाएगी ना वो ही ध्यान में रखनी है, उसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना कि सर ऐसे भी बन सकता है वैसे भी बन सकता है, वो सब संभावना में आ जाता है, जो आप सब बोलते हैं ना सर ऐसे भी बन सकता है वैसे भी बन सकता है, वो सब क्या जाता है, संभावना में। अपनों को जो पर्टिकुलर बात बोली जा रही है स्टेटमेंट में, वो ही अपनों सिंपल अपने पेज पर रफ कॉपी पर जहाँ आप नोट करते हो वहाँ बनानी है, ठीक है? उसके बाद निष्कर्ष चाहिए। अब मैंने क्या बोला, कुछ पी क्यों है, अब देखो स्टेटमेंट भी कुछ पी क्यों दे रखा है और कंक्लूजन भी दे दिया कुछ पी क्यों है, तो ये तो सीधा गलत कर देना, समझ गए? कुछ क्यू आर है, कुछ क्यू आर है, देखो स्टेटमेंट ये भी दे रखा है कुछ क्यू आर, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कुछ आर क्यों है, देखो कुछ जब कुछ क्यू जब आर होंगे, ये वाला हिस्सा जो ये जो मैं रेड से कर रहा हूँ, जब कुछ क्यू आर होंगे तो फिर आर का पार्ट भी तो क्यू में आ ही जाएगा ना, देखो जब कुछ क्यू आर होंगे तो कुछ आर भी क्यू हो जाएंगे, तो ये अपना स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, समझ गए? क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है? अब देखो ये क्या दे रखा है, कुछ क्यू पी हैं, कुछ क्यू पी हैं, अब देखो कुछ क्यू जब पी का ये वाला हिस्सा है, देखो ये ऑरेंज वाला मैं कर रहा हूँ, कुछ का पी का हिस्सा जब क्यू में आ जाएगा तो ये क्यू का हिस्सा भी तो पी में आया है ना, ये जो मैंने ऑरेंज से ये वाला किया है, तो ये कुछ क्यू भी तो पी होगा ना, निष्कर्ष निकल सकता है ना, तो हाँ जी निकलेगा सर, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, थ्री व फोर फॉलो करेगा, ठीक है? थ्री व फोर क्या करेगा, फॉलो करेगा,
इतनी बात क्लियर हो तो थम्सअप कर दो, इतनी बात समझ में क्लियर आ गई, आपने सीखा हो कोई बात नहीं, फिर भी आप यदि फॉलो कर रहे हैं आपको पता लग रहा है अभी सर सही समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थम्सअप कर दो। चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एग्जाम्पल लेना, कुछ दो तीन, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कुछ दो चार, ये दो स्टेटमेंट है, ये बना लो आप जल्दी से निष्कर्ष, कुछ तीन चार है पहला निष्कर्ष, ठीक है, दूसरा कुछ दो तीन है, ठीक है, कुछ चार दो है, ठीक है, चौथा कुछ तीन दो, ये आपको चार कंक्लूजन दिए हैं, बताओ क्या आएगा, अब बताओ क्या आएगा जल्दी से बताओ। यार ये कुछ दो, कुछ दो क्या है तीन है, कुछ दो चार है, ये बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी अपने कुछ वाला ही सीख रहे हैं दोस्तों, उसके बाद मैं आपको सारी बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं समझाता वो टॉपिक, सीधा एग्जाम्पल लिया होगा ये बताते हैं, क्योंकि हर डीप तक पढ़ना बहुत जरूरी है, कल को कोई गलत ना हो जाएगा ना। चलो बना लेते हैं, क्या बोला, कुछ दो, कुछ दो तीन है, ये बना दिया, अब कुछ दो चार है ना, तो कुछ दो चार है, बन गया, दोनों स्टेटमेंट बन गए, आपको गया जी सर बन गए। अब मैंने क्या बोला, कुछ तीन चार हैं, ये कंक्लूजन दे गया, तो देखो तीन का संबंध चार से है क्या, तीन तीन चार को नहीं जानता और चार तीन को नहीं जानता, ठीक है, निश्चित तरीके से तीन चार को नहीं जानता और चार तीन को नहीं जानता, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, हाँ जी, तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया, समझ गए, तीन चार का कोई आपसी कोई लेना देना नहीं है, तीन रहता है अलग जगह, चार रहता है अलग जगह, ठीक है, कुछ दो तीन है, देखो स्टेटमेंट में भी कुछ दो तीन दे रखे हैं, तो ये फिर गलत हो गया, रिपीट हो गया ना, यहाँ रिपीट लग जाता है, ठीक है, कुछ चार दो हैं, कुछ देखो ये देखो दो वाला जब चार में आ गया, चार वाला भी तो दो में आएगा ना, आ गया कि नहीं आएगा, आपको भी सर आएगा, तो फिर क्या होगा, कुछ चार दो होंगे होंगे, ये बस ध्यान रखना सिमिलर नहीं आना चाहिए, उल्टा आ सकता है, क्योंकि वो ये जब आ रही है दो चार है तो चार भी तो दो होगा ना, वो निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष में गिना जाता है, ठीक है, लेकिन सिमिलर स्टेटमेंट नहीं आ सकता, ठीक है, कुछ तीन दो है, अब देखो कुछ दो तीन था तो देखो ये वाला था, ये वाला ब्लैक, जब दो तीन में आया है, तीन भी तो दो में आया है ना, आया है, तो ये बात भी क्या है, सही है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, तीन एंड फोर होल हो जाएगा, समझ आ गई, कुछ का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, मैंने ये बता दिया सिमिलर चीज़ भी नहीं हो सकती, लेकिन ध्यान रखना कि अपोजिट के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है, अभी आपको मैं सब बताऊंगा संभावना वाला कैसा होता है, सब होता है, लेकिन आप ये चीज़ समझो भी, इतनी बात क्लियर है, जब आपको मैं एक से दो दो तीन केस करवा दूंगा ना, फिर आपको मैं सारी चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया, तो चलिए अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अब देखना, अब अपने हेडिंग डाल लो आप, केस टू डाल लो, ठीक है, केस टू डाल लो, इसके अंदर हम बात करेंगे ओल की, ओल का मतलब क्या होता है, सभी, सभी मतलब 100%, ठीक है, सभी मतलब 100%, सारा का सारा एक में आ जाए, ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे मैं बोलता हूँ आपको कि सभी कागज पुस्तक है, क्या बोला, सभी कागज क्या है, पुस्तक है, ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब आप समझना मेरे ख्याल, ठीक है, मैंने बोला सभी कागज क्या है, पुस्तक है, ठीक है, कागज तो मैंने बनाया, देखो ये कागज का है, ये कागज का है, ठीक है, सभी कागज पुस्तक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कागज का जितना भी सारा का सारा हिस्सा किस में आएगा, पुस्तक में आएगा, तो पुस्तक का एरिया फिर इससे बड़ा होगा, ये बना दिया पुस्तक, ठीक है, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये किसकी होती है, सभी की होती है, ठीक है, तो सभी कागज जो हैं वो क्या हैं, पुस्तक हैं, सभी कागज क्या हैं, पुस्तक हैं, इतनी बात क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई, अब ध्यान रखना, अब इसका निष्कर्ष क्या क्या हो सकता है,
इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है, ठीक है। पहला निष्कर्ष, सभी पुस्तक कागज हैं। दूसरा निष्कर्ष, सभी कागज पुस्तक हैं। तीसरा, कुछ कागज पुस्तक हैं, कुछ पुस्तक कागज हैं। ये समझ लो मैंने आपको चार निष्कर्ष दे दिए, है ना। अब ये बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से सही होंगे, जल्दी से बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से सही होंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होगा। प्लीज़ दोस्तों शेयर कर दो यार, ऐप से रिक्वेस्ट है शेयर कर दो प्लीज़ जल्दी से। हाँ देखो, मैंने क्या बोला कि सभी पुस्तक कागज़ हैं, ये पहला निष्कर्ष है ना। तो देखो सभी कागज़ के हैं, ये वाला जो हिस्सा देखो, सभी कागज़ के हैं पुस्तक में है ना, पुस्तक में, ये पुस्तक है ना, तो सभी पुस्तक कागज हैं, डेफिनेट निश्चित, ये स्टेटमेंट निश्चित है, ध्यान रखना ठीक है, ये स्टेटमेंट निश्चित है। तो सभी पुस्तक कागज हैं नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अपनों को ये नहीं पता ना कि जो कागज हैं और पुस्तक हैं दोनों एक ही साइज के हैं या अलग अलग साइज के हैं। इतना पता है कि सभी कागज के हैं पुस्तक हैं, इतना ही पता अपने को, ये नहीं पता कि पुस्तक और कागज इक्वल हैं या अलग अलग हैं, बस इतना पता है कि सभी कागज पुस्तक हैं। तो अपने ये अपनों ने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाया, तो सभी पुस्तक कागज हैं नहीं है, सभी पुस्तक कागज तो नहीं है, कुछ पुस्तक हो सकती हैं, सभी तो नहीं है, तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। देखो अब सभी कागज पुस्तक हैं, ये तो सभी कागज पुस्तक सिमिलर आ गया, रिपीट हो गया ना, रिपीट हो गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ कागज पुस्तक हैं, मेरी बात सुन, जब सभी कागज पुस्तक हैं, देखो सभी कागज जब पुस्तक होंगे, जब बोलते हैं ना, यदि कुछ, यदि बोलते हैं कि सभी फल आम हैं, तो सभी आम हैं तो फिर कुछ फल तो आम होंगे ना, कुछ फल आम होंगे कि नहीं होंगे, आपको कहोगे सर होंगे, तो ये सभी हैं तो कुछ भी तो आए, कुछ भी तो इसमें आ गया, कुछ भी तो है, समझ लो ये जो मैंने लाइनें मारी कुछ हैं, तो कुछ कागज तो पुस्तक होंगी, आप कहोगे सर होगी, जब सभी आ गई तो सभी आने के बाद कुछ उसके अंदर कुछ निकाल रहे हो तो कुछ है तो वो तो होंगी ना। मैंने बोला कि देखो ये सारा समझ लो ये है ठीक है, ये सारे कागज़ हैं, अब ये जो लाइनें मारी मैंने, ये कुछ हैं तो सभी हैं तो कुछ भी तो होंगी, होंगी सही है, तो कुछ पुस्तक कागज हैं। देखो अब कुछ पुस्तक कौन सी, जो ये कागज, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ पुस्तक कागज हैं हाँ है, क्योंकि देखो ये जो पुस्तक का एरिया है ना, ये वाला देखो, क्योंकि ये सारा पुस्तक है, ये सारा पुस्तक है, उसके अंदर ये जो हिस्सा है ये कागज भी है और पुस्तक भी है, क्योंकि सभी कागज, ये जो हिस्सा है ये कागज भी है और क्या है, पुस्तक भी है, समझ रहे हो, क्योंकि सभी कागज पुस्तक हैं तो कागज पुस्तक के अंदर चला गया, तो पुस्तक का ये जो एरिया गिरा है ना, तो वो क्या है, कागज भी है, तो इस पुस्तक का कुछ हिस्सा कागज है, तो ये क्या है, सही है ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझ गए, पुस्तक पूरा था, कागज इतना था, लेकिन पुस्तक का कुछ भाग तो कागज ने घेरा ही है, घेरा है ना, क्योंकि सभी कागज पुस्तक है, पुस्तक का कुछ भाग घेरा है, तो कुछ पुस्तक कागज ये सही है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 3 एंड 4 फॉलो हो जाएगा, 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। समझ में आया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो, यदि आपका समझ में आया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो कि सर मुझे केस समझ में आ गया। ठीक है अब एग्जांपल देखना, आप मैंने बोला ऑल ए बी है ठीक है, ऑल ए सी है ठीक है, निश कंक्लूजन है ना, ऑल बी सी है, ऑल सी ए है ठीक है, ये आपको दे रखा है ठीक है। अब बताओ आप कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, यह आपका स्टेटमेंट है और यह आपका कंक्लूजन है, अब बनाओ और बताओ कौन सा फॉलो करेगा, या कोई करेगा ही नहीं।
देखो मैंने बोला ऑल ए बी है, तो ऑल ए तो बना लो, ये ए का दरी, ए का एरिया हो गया, तो ऑल ए बी है तो बी का थोड़ा बड़ा होगा तभी ए बीच में आएगा, आप बना दिए। अब कह रहे कि ऑल ए सी है ना, ऑल ए सी है, लेकिन देखो स्टेटमेंट के अंदर बी का और सी का कोई लेना देना नहीं है, बी और सी का कोई लेना देना नहीं है ना, तो आप सारे सी को, अब जाना आप कई कई सोच रहे होंगे सर मैं ऐसे बना देता हूँ तो ऑल ए सी, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा चीज़ और बना दी, क्या बना दी कि सभी सी बी बना दिए, जो अपनों को यहाँ गिवन नहीं है। मेरी बात गौर रखना, यदि कोई स्टूडेंट ऐसे बना रहा है ना कि सभी ए सी हैं, ये स्टेटमेंट तो आपने सही कर दिया, लेकिन सी को बी में सारा का सारा बनाना है, इसका मतलब ये आपने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दी जो अपनों को गिवन नहीं है, समझ गए, जो अपनों को गिवन नहीं है, तो अपने इस प्रकार नहीं बना सकते, ये अपने इस प्रकार नहीं बना सकते, ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको कहा, बना के बताया कि अपने इस प्रकार नहीं, अपनों को बिल्कुल जनरल बनाना है, जो स्टेटमेंट दिया उसी को ही फॉलो करना, अदर इन्फॉर्मेशन नहीं लानी है। तो आपको आप कैसे बनाएंगे, तो अपने सी का पार्ट कुछ बाहर रखेंगे और ए का पार्ट अंदर रखेंगे, ठीक है, ये बनेगा एग्जैक्ट जो अपनों को दे रखा है, ये बनेगा, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप कर देना, ठीक है जी सर, हमको ये आपकी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब क्या आगे, आगे देखो, ओल बी सी है, ओल बी सी है, ये बी का दरिया, ये बी का, सी का क्या है, ये रहा, समझ रहे हो ना, ओल बी सी है ये तो दिख नहीं रहा, तो ये तो डायरेक्ट गलत है, ठीक है, ओल सी ए है, ओल ए सी है, ओल सी ए हो डेफिनेट निश्चित ये हम नहीं कह सकते, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, समझ आ रहा है ना, गलत हो गया, जो बात बोली वही लिखनी है और ज़्यादा नहीं, तो बोथ क्या हो गया, बोथ क्या हो गया, रोंग हो गया, समझ गए, बोथ क्या हो गया, रोंग आ गया, यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्सअप कर दो, समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्सअप कर दो, दोनों केस समझ में आ गए, केस वन भी बता दिया, केस दो भी बता दिया, दोनों केस समझ में आ गए, कम से कम 5 से 6 आगे बहुत केस बनेंगे, लेकिन आपको मैं अभी दोस्त दोनों केस समझ आ गए ना, ऑल वाला और कुछ वाला, ठीक है। तो चलिए अपने अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, केस थी नोट जिसको बोलते हैं कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं वाला केस जो होता है वो वाला अपना करेंगे, ठीक है, उसको समझना ध्यान से, बस आप ध्यान रखना, एग्जाम्पल तौर पे मैंने बोला कोई पी क्यू नहीं है, ठीक है, कोई पी क्यू नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, पी और क्यू एक दूसरे से रूठे हुए हैं, इनका दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई भी लेना देना नहीं है, बस आपने ध्यान रखना कि बनाना कैसे है। तो ये बनाया मैंने पी क्यों, इसको कहीं भी टच नहीं करेगा, तो क्यों यहाँ बना दिया मैंने, और ऐसे अपनों को शो करना है, ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि पी का और क्यों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई भी लेना देना नहीं है, ये डेफिनेट है, ये निश्चित है, ठीक है, कल संभावना आ जाएगी ना नहीं वाली में, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, संभावना वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, जिसके आपको थोड़ा आइडिया रहे, पहले मैं सारे केस करवा दूँ, आपको जब क्वेश्चन करेंगे ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, 3 से 4 लेक्चर बनाएंगे, तब अपने अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये समझ में आया कि कोई पी क्यों नहीं, क्यों नहीं, कैसे होता है। अब इसका निष्कर्ष देखो क्या है, पहला कोई क्यू पी नहीं है, बी कुछ क्यू पी नहीं है, सी कुछ पी क्यू नहीं, डी सभी पी क्यू नहीं है, बताओ बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ 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 जल्दी से बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शन सही है, बताओ दोस्तों जल्दी से, देखो कोई क्यू पी नहीं है,
जब दे रखा है कि कोई पी क्यों नहीं है, जब कोई पी क्यों नहीं है तो क्यों भी पी नहीं होगा, तो पक्का ही है, डेफिनेट नहीं होगा पी का, जब क्यों से नहीं है तो क्यों का पी से क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये अपना क्या है, अपना क्या है, सही है। जब कोई भी नहीं है, अगला स्टेटमेंट क्या बोला था, कुछ पी क्यों पी नहीं है, जब कोई भी नहीं है, जब कोई कोई इसके घर नहीं जा रहा, जब कोई भी इसके घर नहीं आता, कुछ बंदे जाएंगे क्या, कुछ बंदे जाएंगे, नहीं जाएंगे, लड़ाई हुई है, पी और क्यों की लड़ाई है आपस में, ठीक है, पी का बंदा इधर नहीं जाएगा और क्यों का बंदा इधर नहीं जाएगा, सारे क्यों के कुछ बंदे जाएंगे, नहीं जाएंगे, इसी प्रकार पी में, जब कोई पी नहीं है क्यों में, तो कुछ कुछ है नहीं है, कहीं की ये मत कहना सर सिमिलर आया, सिमिलर नहीं है, ये देखो ये कुछ है और ये कोई नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, समझ रहे हो, कुछ का अलग कॉन्सेप्ट है और कोई का मतलब सारे आते हैं, सारे सारे पी क्यों नहीं है, ये ऐसे है वाला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दिया हो ना, सभी पी क्यों नहीं है, तो ये भी देखा कोई पी क्यों नहीं है, तो ये तो फिर गलत हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि अपना वो सिमिलर स्टेटमेंट दे दिया ना, तो अपने अकॉर्डिंग क्या सही होगा, ए बी और सी, ये स्टेटमेंट अपना सही हो जाएगा। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो जल्दी से, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज मैंने आपको तीन केस पढ़ा दिए, पहला पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ा दिया, तीसरा पढ़ा दिया, सिंपल है दोस्तों, आपने किए भी होंगे, मेरा फिर भी फ़र्ज है कि आपको मैं अच्छे से करवा पाऊँ, ठीक है। तो ये आएंगे पटवार में नहीं आएंगे, सॉरी ये एनटीपीसी में आएंगे, तो 2 से 3 नंबर के तो आएंगे, ठीक है, 2 से 3 नंबर आने को, पटवार में भी आ सकते हैं, कुछ नहीं पता, दे भी सकते हैं, ठीक है, क्लियर, थम्स अप कर दो। चलिए अपने क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बढ़िया से, ठीक है। स्टेटमेंट है, ठीक है, कुछ आम फल है, ठीक है, सभी फल अमरूद है, ठीक है, कंक्लूजन है सभी आम अमरूद है, दूसरा है कुछ अमरूद आम है, चलो बनाओ जल्दी से बनाओ, ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, ये आपको निष्कर्ष है, ठीक है, आपको बताना है क्या फॉलो करेगा या नहीं करेगा, जो भी आपको लगता है वो बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। अभी तो अपने तीन केस रिलेटेड, तीन जो केस में उसी क्वेश्चन करेंगे, कल फिर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी पार्ट 2 के अंदर, उसके अंदर हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, समझ गए, देखो मैंने क्या बोला, कुछ आम, आम को मैंने ए ले लिया, ठीक है, कुछ आम पहले आम का बनाया, कुछ आम फल है, तो फल ये हो गया, फल को मैंने एफ ले लिया, ठीक है, सभी फल अमरूद है, मतलब फल का जो हिस्सा है वो किस में आ गया, अमरूद में, तो अमरूद का हिस्सा बड़ा होगा, ठीक है, तो अमरूद को लिख लिया ए एम आर, ठीक है, ये आम है, ये फल है, ये अमरूद है, ठीक है, ये हमारा जो वो बोल रहा था वो हमने बना दिया, ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट ही आ गया ये वाला हिस्सा ना, ये जो आम का जो हिस्सा है, ये देखो आम का जो ये हिस्सा है ना, ये अमरूद के अंदर बाय डिफॉल्ट ही आ गया, है ना, क्योंकि सारा फल था आम अमरूद में और आम भी आ गया फल में कुछ, तो ये हिस्सा बन गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, सभी आम अमरूद है, सभी आम अमरूद है, इसके अकॉर्डिंग आपने जो ये डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग है, वो सर नहीं है, पहला तो गलत हो गया, कुछ अमरूद आम है, देखो कुछ अमरूद, देखो अमरूद आम है, कुछ सारे तो बोले नहीं, कुछ अमरूद ये पूरा सारा सारा का सारा ये था। अब ये वाला हिस्सा है ना, जो ये वाला, ये देखो ये वाला, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये देखो आम में भी आ रहा है, यहाँ पे फल में भी आ रहा है ना, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ अमरूद आम है, तो आपको कहोगे सर हाँ जी हाँ, क्योंकि ये आम का ये हिस्सा आ रहा है अमरूद में आ रहा है ना, तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, चलिए थम्स अप कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपनी क्लास के अंदर पॉइंट टू पॉइंट बात आपको पता होती है, कहने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट है दोस्तों, कुछ वकील अध्यापक हैं, ठीक है जी,
सभी अध्यापक हैं डॉक्टर, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कोई भी डॉक्टर आदमी नहीं है, ये आपको तीन स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन लिखो। कोई अध्यापक आदमी नहीं है, ठीक है। कुछ वकील डॉक्टर बताओ कौन सा फॉलो करेगा, बताओ बताओ कौन सा फॉलो करेगा, जल्दी बताओ फॉलो कौन सा करेगा, जल्दी से बताओ। हाँ बताओ दोस्तों, बताओ कौन सा फॉलो करेगा। तो मैंने क्या बोला है, कुछ वकील, तो वी कुछ वकील, वकील का दरिया, कुछ वकील के अध्यापक हैं, अध्यापक से ए कुछ वकील अध्यापक बना दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, सभी अध्यापक हैं डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर बड़ा होगा तो ये डॉक्टर बना दिया, ठीक। कोई भी डॉक्टर के आदमी नहीं है, कोई भी डॉक्टर क्या है आदमी नहीं है, तो ये आदमी हो गया, ए से आदमी, डी बना लो, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, क्या बन गया बताओ, ये हमारा बन गया स्टेटमेंट दो गिवन था उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बन गया, ठीक है। अब देखो कोई अध्यापक आदमी नहीं है, कोई अध्यापक आदमी नहीं है, देखो अब ध्यान से देखना, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा समझ आ जाए। कोई अध्यापक आदमी नहीं है, देखो डॉक्टर जब बाहर वाले घर से, बाहर वालों से जब अनबन है आदमी की और डॉक्टर की, अंदर जितने भी हैं बंदे ये अंदर है, इसके अध्यापक अंदर ही, सभी अध्यापक डॉक्टर हैं, तो अध्यापक का फिर इससे नहीं होगा ना संबंध। बोलते ना बॉर्डर वाला हिस्सा, ये वाला जो बॉर्डर वाला हिस्सा संबंध जब इससे नहीं है तो अंदर वालों का भी संबंध नहीं होगा, नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है सही है। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कुछ वकील क्या हैं डॉक्टर हैं, कुछ वकील डॉक्टर हैं, अब ध्यान से देखना कुछ वकील डॉक्टर हैं कैसे हैं। जब बोला था सभी अध्यापक डॉक्टर हैं, बाय डिफॉल्ट वकील वाला भी आ ही गया था, क्यों आ गया था, क्योंकि कुछ वकील जो थे वो क्या थे अध्यापक थे, कुछ वकील क्या थे अध्यापक थे ना, तो बाय डिफॉल्ट किस में आ गए डॉक्टर में भी आ ही जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे आपको भी सर आएंगे, तो कुछ वकील डॉक्टर हैं ये भी है सही है। तो क्या करेगा बोथ फॉलो करेगा, बोथ फॉलो करेगा, समझ में आ गया क्या, तीनों केस समझ में आए कि नहीं आए, केस वन केस टू केस थ्री, समझ में आया तीनों केस अंदर मैंने अप्लाई करे कि नहीं करे, करवाए ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लो छोटा सा, कुछ पांच हैं, ठीक है, कुछ छह सात हैं, ठीक है। अगला कोई भी सात आठ नहीं, ठीक है, और सभी आठ चार सॉरी नौ है, ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, स्टेटमेंट है कंक्लूजन। कुछ नौ सात है, ठीक है, कोई नौ बात नहीं है, ठीक है, कुछ नौ बात नहीं है, ठीक है, कुछ आठ पांच, चलो बताओ। मेन होती है दोस्तों क्वालिटी, क्वेश्चन को भरमार करवाने से कुछ नहीं होता, यदि एक क्वेश्चन में 10 कंक्लूजन डालो फिर मजा आता है, पता लगता है यहाँ भी रियल में क्या चीज है, समझ रहे हो ना। तो आप बताओ क्या आएगा जल्दी से, आंसर बताओ क्या आएगा, बनाओ और बताओ क्या आएगा जल्दी से,
देखो क्या बोला है, कुछ पांच छह हैं, ठीक है, ये पांच बन गया, ये छह बन गया, क्लियर। कुछ छह सात हैं, कुछ छह सात हैं, बना लिया। कोई भी सात क्या है, आठ नहीं है, कोई भी सात क्या है, आठ नहीं है, ठीक है, बन गया, क्लियर है ना इतनी बात। तो सभी क्या है, नौ है, सभी आठ, तो नौ का दरिया बढ़िया होगा, नौ का दरिया बड़ा होगा, ये बना दिया नौ, क्लियर। अब देखो ये बन गया डायग्राम, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या बन गया, डायग्राम। कुछ नौ सात हैं, सात का आठ का लेना देना नहीं है, लेकिन नौ का और सात का कोई अता पता नहीं है। कुछ का अता पता है जो आठ के अंदर आए हैं, लेकिन सारे का नहीं है। तो कुछ नौ सात हैं नहीं बता सकते, कार्ड डिटरमाइंड है, निर्धारित नहीं है, तो डेफिनेट आंसर देना होता है। देखो तो कोई नौ सात नहीं है, कोई नौ सात नहीं है। अब ध्यान रखना, मैंने जो चार कंक्लूजन लिखे ना, इसके अकॉर्डिंग आंसर तो मैंने निकल आपको मैं बताऊंगा, लेकिन जब ये अकेले दो स्टेटमेंट दिए होंगे ना, ये अपने कल सीखेंगे, ध्यान रखना। तो मतलब ये दो अकेले स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, दो वेरिएबल जो ये दे रखे हैं, ये सिमिलर हैं, क्या है, सिमिलर हैं। जब कुछ और कोई नहीं का संबंध होगा ना, तो हमेशा क्या लगता है इन दोनों में, या लगता है, ध्यान से सुन लो, जब ये केवल दो स्टेटमेंट गिवन है, ये वाला और ये वाला, नीचे वाले भूल जाओ। तो देखो दोनों वेरिएबल सेम है, नौ सात नौ सात, और एक में दिया कुछ है और दूसरे में दिया कोई नहीं है, तो इसको बोलते हैं याक वाला केस। ये अपने कल करेंगे दोस्तों, जरूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार सीख लो, मैं आपको बता रहा हूँ आइडिया के लिए, कल तो सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या है, ठीक है, अभी तक ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। अब आगे कुछ नौ सात नहीं है, कुछ नौ कौन से होंगे, वो नौ होंगे जिसके अंदर आठ भी हैं। कैसे, देखो ये नौ का दे रही है और ये आठ है ना, आठ है, और ये किस में है, नौ में है, तो इसके अंदर नौ आठ नौ दोनों है, इसके अंदर आठ नौ और दोनों है, आठ का संबंध नहीं है, तो कुछ कुछ जो हिस्सा नौ का है उसका संबंध भी सात से होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना, समझ में आ रही है। देखो नौ इतना बड़ा है, नौ इतना बड़ा है, उसका कुछ हिस्सा किस में आ रहा है, आठ में आ रहा है, क्योंकि सभी आठ नौ है, कोई सभी आठ नौ है, तो नौ बड़ा होगा, आठ थोड़ा छोटा होगा, जब तक ना बोला जाए बराबर है, ठीक है। तो आठ के अंदर नौ का हिस्सा भी है, और वो हिस्सा सात नहीं होगा, ये पक्का है, क्योंकि आठ नहीं है तो नौ भी नहीं है, तो कुछ हिस्सा नौ का सात नहीं है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। कुछ आठ पाँच हैं, पाँच ये रहा, आठ ये रहा, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो ये भी गलत है। तो हमेशा कौन करेगा, ये वाला थर्ड फॉलो करेगा, थर्ड फॉलो करेगा, क्लियर। प्लीज़ समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो कि सर मुझे हमारे को आज तीन जो केस समझाए हैं वो समझ में आ गए। दोस्तों यदि मेरी बात समझ में आती है तो प्लीज़ थम्स अप कर दो। देखो केस वन करवाया, टू करवाया, थ्री करवाया, ठीक है, सारे क्लियर हैं, क्लियर हैं तो प्लीज़ बता दो क्लियर आंसर, क्लियर है, आते हैं तो भी बता दो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और केस करेंगे, ठीक है, और लास्ट में अपने प्रैक्टिस करेंगे अच्छे वाली, ठीक है। मैं आपको और भी वो भी करवाऊंगा जो बैंकिंग अंदर आजकल चले हुए ना, केवल कुछ वाले, केवल कुछ कॉन्सेप्ट भी आजकल चला हुआ है दोस्तों, डेफिनेट जो होता है, ठीक है, वो भी करवाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ साथ जुड़े रहना इसी प्रकार, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़ने के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका साथ साथ बनाए रखने के लिए, आप प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जोश उमंग के साथ, जय हिंद, जय भारत।